YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसे शेयर जो कि काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले हैं, लेकिन आज जो है मार्केट गिरावट के साथ काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आज इसमें भयंकर गिरावट हुई है। तो ये स्टॉक्स जैसे यहाँ से यू टर्न लेता है, मतलब जैसे अपट्रेंड इसमें फिर से आता है, मतलब रिवर्सल का साइन हमें जैसे मिलता है, तो ये एक बेस्ट बाइंग स्टॉक्स होगा क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला स्टॉक है IRCTC, गजब का स्टॉक्स। काफी बार मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाया, काफी रिकमेंड भी किया कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, मात्र 1500-1300 रुपए ये स्टॉक्स मैंने बोला था और वहां से 6000 से ऊपर का ये हाई लगा चुका है। अब देखिए यहाँ पर 6385 का हाई, आज ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसमें गजब का गिरावट देखने मिला और ये 5000 से भी 3 रुपीज नीचे आ चुका था, मतलब 4997 रुपीज। और यहाँ पर 5000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग जो हुआ है यहाँ पर 5454 रुपीज पर। तो काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है और यहाँ पर देखना है कि जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हो, साइडवेज होने के बाद फिर ऊपर की ओर मोमेंटम करे तो काफी बेहतरीन होगा इस स्टॉक में हमें, मतलब अपना स्टेक्स लेने में। तो थोड़ा सा इसको हमें आपको वेट करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये साइडवेज मोमेंटम दिखाए, इस तरह से ये स्टॉक्स आए, इस तरह से मोमेंटम करने के बाद एक रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद ऊपर की ओर जैसे रेंज ब्रेक करता है तो हम उस रेंज ब्रेक पर ही इसमें अपना जो है स्टेक लेने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इसको वेट एंड वॉच कीजिए, जैसे ये रिवर्सल का साइन देगा यहाँ पर आप अपना स्टेक ले सकते हैं। फिलहाल जो सपोर्ट लेवल है वो 5000 लेवल है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 5000 के नीचे चला जाता है ये स्टॉक्स तो फिर आपको अवॉइड करना है। तो अगला दिन किस तरह से ये स्टॉक्स ट्रेड करता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक से 94,000 करोड़ का मार्केट कैप, 100,000 करोड़ का मार्केट कैप हिट करने के बाद इसमें काफी जबरदस्त गिरावट देखने मिला। वह इसमें अच्छा खासा प्रमोटर्स होल्डिंग है 67.4%, कोई शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी बिल्कुल जीरो, मतलब कोई डेट नहीं है और रिजर्व 1,307 करोड़ का है, तो रिजर्व भी अच्छा खासा है और डिविडेंड मात्र 0.09% का। और एक PSU स्टॉक है, मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक्स है और काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और इसका मुख्य काम जो है कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है स्टेशन पे ट्रेन में। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस जो बिल्कुल मोनोपोली वाला है क्योंकि जो ट्रेन है और जो स्टेशन है उस पर खास करके जो ट्रेन है उसमें किसी दूसरे कंपनी को अलाउ नहीं किया गया है। जब तक दूसरी कंपनी को अलाउ नहीं किया जाता है तो ये कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से मोनोपोली बिजनेस वाला है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो है एस्ट्रल, ये भी काफी जबरदस्त गिरावट देखने मिला। ये स्टॉक्स भी मैंने काफी बार रिकमेंड किया है, ये काफी बेहतरीन स्टॉक है, किसी भी गिरावट में आप इसमें बाय कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक्स जो है, जो इसका सपोर्ट लेवल है वो मुख्य रूप से इसका सपोर्ट लेवल है 2180 इसका मुख्य रूप से ये सपोर्ट लेवल है। तो अपने सपोर्ट लेवल से अभी भी ये काफी ऊपर है, तो अगर कि यहाँ पर 2180 के नीचे जाता है तभी हम इसमें बेरिश नहीं होंगे, अदरवाइज ये स्टॉक्स एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा गिरावट में बाय करने का क्योंकि इसमें भी 5% से ज्यादा गिरावट है, जबकि IRCTC एक समय तो ये 15% से ज्यादा का सर्किट लग चुका था नीचे का, फिर से रिकवर किया, मतलब जो बाद का टाइमिंग है 3:30 के बाद उसमें यहाँ पर देखने मिला कि ये स्टॉक्स यहाँ से रिकवर कर चुका है। वहीं एस्ट्रल इसमें कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिला है, तो ये स्टॉक्स कल देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ से नीचे ये ट्रेड करता है जो आज का क्लोजिंग है 2249, तो फिर यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल जो है उसका वेट करेंगे। अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको बाय नहीं करना है अभी, जब तक ये एक रेंज नहीं बनाता है, रेंज बनाने के बाद रेंज को ब्रेक करेगा तब, अगर यहीं पर ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये साइडवेज होता है तो साइडवेज होने का थोड़ा सा वेट कीजिए और साइडवेज होने के बाद जैसे ऊपर की ओर रेंज ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें स्टेक ले सकते हैं। अब बात करें इसके मार्केट कैप का, देखिए मार्केट कैप 47,000 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है ये भी। देखिए लार्ज कैप कंपनियां जो होती है उसमें गिरावट में बाइंग का अपॉर्चुनिटी होता है, गिरावट में हम उसको बाय करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे मार्केट रिकवर करेगा तो ये सारे स्टॉक सबसे पहले रिकवर करेंगे। डिविडेंड काफी कम है 0.07, मुख्य रूप से कंपनी ग्रोथ पे फोकस करती है, प्रमोटर्स होल्डिंग 55.7%, कोई शेयर प्लेज नहीं है,
डेट इक्विटी काफी कम है 0.04, मतलब कंपनी पर डेट काफी कम है मात्र 80 करोड़ का, जबकि रिजर्व देखिए 1876 करोड़ का, मतलब कंपनी जो है काफी शानदार है, अच्छा खासा रिजर्व है, कंपनी के ऊपर डेट काफी कम है। और कंपनी जो है मुख्य रूप से ये करती क्या है, तो कंपनी जो देखिए एडहेसिव बिजनेस ओवर द इयर्स में कंपनी एडहेसिव बिजनेस में अभी आ चुकी है। कंपनी का जो मुख्य रूप से जो बिजनेस है वो पाइपिंग डिविजन, और पाइपिंग डिविजन के साथ साथ एडहेसिव बिजनेस में भी आ चुकी है कंपनी। और भी कई सारे मतलब कंपनी के काम है, मतलब कई सारे बिजनेस है जो कि कंपनी करती है, लेकिन मुख्य रूप से 77% रेवेन्यू पाइपिंग डिविजन से आती है। कंपनी काफी शानदार है। अब बात करें वहीं पर जो तीसरा स्टॉक्स है वो है पॉलीप्लेक्स, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, पैकेजिंग सेक्टर के लीडर स्टॉक्स है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी काफी जबरदस्त गिरावट, 6% से ज्यादा का गिरावट है। इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो है 1670 रुपीज, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर इसमें हम काफी ज्यादा बेरिश हो जाएंगे, तो अगर इसके ऊपर रहता है यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद फिर से ऊपर की रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें काफी स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश होंगे। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के एनालिसिस का, इसका मार्केट कैप मात्र 6000 करोड़ का है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, और वहीं पर डिविडेंड काफी शानदार 8.49% का था, डिविडेंड तो काफी ज्यादा है, बस इसी पर कंपनी ने काफी ज्यादा डिविडेंड भी किया है, इसलिए डिविडेंड काफी ज्यादा देखने मिला है आपको। प्रमोटर्स होल्डिंग 51% है, काफी बेहतरीन कंपनी है, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी मात्र 0.23 का है, मतलब कंपनी के ऊपर जो डेट है मात्र 691 करोड़ का, और जो रिजर्व है 3000 करोड़ का, तो रिजर्व काफी ज्यादा है कंपनी के पास, डेट काफी कम है। वही कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो मुख्य रूप से बिजनेस है वो पैकेजिंग में है, प्लास्टिक फिल्म बनाने का काम करती है जो कि पैकेजिंग में खास करके यूज होता है। तो कंपनी 100% अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने बिजनेस साइकिल में, और इंडस्ट्री लीडर है, मतलब इस सेक्टर का जो है प्लास्टिक फिल्म बनाने में इंडस्ट्री के लीडर कंपनियां है। तो ये तीन बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसमें काफी गिरावट देखने मिला है। जैसे मार्केट का रिवर्सल मिलता है, मतलब जैसे स्टॉक में आपको रिवर्सल का साइन मिलता है, तो आप इन सारे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।